अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर सियासी संग्राम जारी है। दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं आज हरियाणा में भी जगह जगह रोष प्रदर्शन किया गया। चरखी दादरी में भी आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ईडी और सीबीआई का पुतला फूंका। आप नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। उसका सबसे बड़ा ईमानदार मुख्यमंत्री, विकासशील मुख्यमंत्री को अपने वोटों के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए एक सच्चे देशभक्त को, कट्टर ईमानदार आदमी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। आज बाड़ड़ा की जनता सड़कों पर उतरकर और सीबीआई, ईडी और नरेंद्र मोदी तीनों का पुतला फूंका है, तथा हमने इस देश में तो कुछ बचा नहीं, हमने भगवान से, परमात्मा से अर्ज की है कि अरविंद केजरीवाल जी जल्द रिहा हो। वहीं असम से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया, जबकि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की तारीफ में कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि मैं तो अनिल विज को बड़ा अच्छा नेता मानता हूं, लेकिन उनके साथ तो कुछ जो कुछ भी हुआ है उससे मुझे ये समझ में आ गया कि राजनीति में ईमानदार आदमी की कोई खास वैल्यू नहीं है। गोगी ने दावा किया कि लोकसभा और विधानसभा जो उपचुनाव है करनाल सीट पर, उसमें पूर्व और मौजूदा मुख्यमंत्री दोनों चुनाव हार जाएंगे। आचार संहिता लग चुकी है, इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में पूरा प्रशासन, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए गए, तो क्या इक्वल प्लेइंग फील्ड होगा या फिर हम रूस की तरह ही इलेक्शन करवाना चाहते हैं? फैसला तो जनता ने करना है और फैसला कर चुकी है जनता, इसीलिए हारा हुआ तानेशाह जो है इस तरीके के हथकंडे अपना रहा है कि 38 कारपोरेट घरानों ने 179 ठेके दिए हैं जिसके बदले में चंदा लिया है, और कहां कहां पे ईडी ने छापे मार के चंदा लिया है, तो क्या इसकी भी सरकार जांच कराएगी? क्या जिन लोगों को चंदा मिला है, जिन्होंने ठेके दिए चंदे के बदले धंधा किया है या फरौती वसूली हुई है, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो? तो इस बदलाव से तय होगी कि अगर अनिल विज जैसे ईमानदार आदमी को, बाबा जैसा आदमी है, कोई पूछ नहीं रहा, तो इसका मतलब यह है कि ईमानदार लोगों की, अच्छे लोगों की राजनीति में जगह नहीं है। और एक सवाल और बताता हूं आपको, मैं ही बता देता हूं सारे सवाल। अब खट्टर साहब कहते हैं, जिस दिन विश्वास मत ले रहे थे, नायब सैनी जी भी कह रहे थे कि ये तो संत आदमी है, साधु आदमी है। सिरसा लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद सांसद सुनीता दुग्गल का बयान आया है। कहा कि मैं पार्टी के कर्मठ सिपाही हूं, पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसे निभाऊंगी। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता सिपाही की तरह काम करते हैं। सिरसा में फिर से कमल खिलने का दावा भी सुनीता दुग्गल ने किया है। आपको बता दें कि मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए अशोक तंवर को सिरसा लोकसभा सीट से पार्टी ने टिकट दिया है, और यह अंदेशा सुनीता दुग्गल को पहले से ही था। टिकट कटी है तो उसके बाद कहा कि मैं पार्टी की एक कर्मठ सिपाही हूं, पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसे निभाऊंगी। आज होली के मौके पर अपने समर्थकों से रूबरू हो रही थी सुनीता दुग्गल। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता की तरह जो भी जिम्मेदारी होगी उसे निभाएंगी। बीजेपी में सभी कार्यकर्ता सिपाही की तरह काम करते हैं। प्रमुख जो है उनकी बैठक ले ली थी, तो सबकी बैठक जो है वो पहले से ही ले ली थी, सिर्फ यही निर्णय होना बाकी था कि कैंडिडेट कौन आता है। तो जो निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व ने लिया और जो है उसको सभी सर माथे लगाते हुए सब जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा ले रहे हैं और खूब भागीदारी कर रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि अब की बार फिर से जो है यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा। मैंने कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को जो है वो उनके
पार्टी में रहते हुए जो उनकी पार्टी की रीति नीति है उनके लिए बेशक से मैंने कहा, लेकिन कभी भी मैं किसी व्यक्ति विशेष को जो है वो कोई किसी तरह का आक्षेप लगाना, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना स्वभाव होता है, तो अपने स्वभाव के हिसाब से हर इंसान जो है वो अपना जीवन व्यतीत करता है। तो आप मुझे बताएं कि मैंने क्या कहा था उनके बारे में कोई ऐसी बात, तो उसके बाद मैं जरूर उस पर टिप्पणी करूंगी। देखिए ऐसा है कि क्योंकि हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे यहाँ पर कार्डर बेस जो है वो पार्टी है, इसमें संगठन जो भी जिम्मेवारी लगाते हैं उसको हम शिद्दत के साथ निभाते हैं, तो जो भी जिम्मेवारी संगठन हमारी लगाएगा उसको हम पूरी में। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने एक बार फिर से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हाईकमांड जो भी तय करेगा वही फैसला उन्हें मंजूर होगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा कि सारी एजेंसी विपक्ष के पीछे छोड़ दी गई है। तो ये चर्चाएं चलती रहती हैं राजनीति में, हमारी पार्टी में अभी इसकी ना कोई डिस्कशन है ना कोई अभी फैसला है। हमारी मीटिंग होगी हाईकमांड, ये मैं एक बार नहीं बार बार कह चुकी हूँ कि हाईकमांड का जो फैसला होगा वो हम मानेंगे इस बार, लेकिन आगे आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, मेरी इच्छा है मैं विधानसभा चुनाव लड़ूँ, लेकिन हाईकमांड का फैसला हम सबको मान्य होता है। 10 की 10 सीटों पर 9 की 9 सीटों पर कि विपक्ष में कोई भी हो उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनी ये सारी एजेंसियाँ छोड़ रखी, चाहे ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, इनका उपयोग नहीं आज के दिन लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए दुरुपयोग हो रहा है। चुनाव के दौरान इस तरह की कार्रवाई होना अपने आप में दिख रहा है कि इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं।